अस्सलामुअलैकुम। हेलो एवरीवन। कल पहला व्लॉग अपलोड किया था, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। किया करते करते थोड़ा लेट हो गया था मैं, कुछ 12-1 बजे तक अपलोड किया था मैंने, तो जिसके वजह से सुबह 4 बजे तक मैं नहीं सोया, क्योंकि लगातार मैसेजेस आ रहे थे दोस्तों के और सबके, तो उनसे बात बात चलती रही, सजेशंस थे कुछ, और कुछ चीज़ें रह गई थी। मैंने अपना इंट्रो दिया ही नहीं था, तो पहला व्लॉग था, वो कुछ गलतियाँ थी, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आगे जो है अच्छा डिटेल से मैं हर चीज़ बता सकूँ। और मेरा नाम मलिक इसाम है और मैं मालमो स्वीडन में रहता हूँ, और यहाँ पर आए हुए मुझे तकरीबन 5 साढ़े 5 साल हो गए हैं, और मैं आया बहरीन से हूँ। बहरीन काफ़ी देर शुरू से बहरीन में रहे हैं हम लोग, और बहरीन में मैं साफरा भी रहा हूँ, रफा रहा हूँ, महर्रक, मनामा, ईसा टाउन, तो ये सब जगह, जिदाली, और हर जगह से मेरे दोस्त हैं, काफ़ी सारे दोस्त हैं। कुछ अरबी दोस्त भी थे जिन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप इंग्लिश में बनाओ व्लॉग, लेकिन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि मैं उर्दू में ही बनाऊँ, उर्दू पंजाबी जो भी ऐसे मिक्स। तो शायद मैं सबटाइटल की कोशिश कर सकता हूँ। तो बाकी आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे बहुत अच्छे व्यूज़ मिले, आपकी सजेशंस मिली, काफ़ी लोगों ने देखा उसको, लाइक किया, तो अच्छा लगा। अब इंशाल्लाह आगे भी मज़ीद वीडियोस बनेंगी। ट्रैवल का थोड़ा सा, काफ़ी लोग यही कह रहे हैं कि ट्रैवलिंग व्लॉग्स बनाएं, लेकिन ट्रैवलिंग का आपको पता है कोरोना वायरस आया मैं तो ज़्यादा, मैं ज़ाहिर दूसरे मुल्कों में तो नहीं हम जा सकते, पहले बनाए हुए थे लेकिन वो मैंने अपलोड नहीं किए, तो देखता हूँ अगर वो कर सका तो वो करूँगा, और नहीं तो फिर जैसे ही कुछ हालात बेहतर होते हैं। तो फ़िलहाल आपको मालमो और इसके करीब के जितने भी सिटीज़ होंगे या स्वीडन के अंदर जितनी जगह होंगी वो मैं आपको दिखाऊँगा, तो उसी से कोशिश करूँगा कि उससे शुरू करते हैं। और बाकी हैं कि डेली के व्लॉग्स होंगे डेली लाइफ की, जैसे कि अभी अभी उठा था, ब्रेकफास्ट करना था और अंडे ख़त्म है भाई, अंडे लेने जाना है। इधर हर चीज़ आपको खुद ही जाना पड़ता है, बहरीन की तरह नहीं है कि आप फ़ोन करें तो भाई साहब आके आपके डोर पे ब्रेड, दूध, अंडे जो भी चाहिए आपको दे जाते हैं। इधर आपकी एक चीज़ भी रहेगी तो आपको खुद ही जाना पड़ेगा स्टोर पे, तो ये थोड़ा सा है, लेकिन कोई नहीं, अच्छा है सेहत के लिए। वैसे भी बैठ बैठ के बहरीन में बहुत वेट गेन कर लिया था, अब उसको भी थोड़ा कम कर रहे हैं आस्ता आस्ता, तो शुक्रिया देखने का। अभी आपको स्पोर्ट्स आज एक्टिविटी है, ग्राउंड में मैं लेके जाऊंगा आज दोपहर को, और मज़ा आने वाला है, तो देखते रहे वीडियो। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं अभी निकल रहा हूँ, हम लोग अभी जा रहे हैं ग्राउंड में, तो ग्राउंड में जाके फिर आके मैं आपको बताता हूँ। बढ़ते पहुँच गए हैं, ये आर्टिफिशियल ग्रास की ग्राउंड है, इधर आज गेम होगी, पहले हम लोग क्रिकेट खेलेंगे और फिर हम लोग खेलेंगे फुटबॉल। वैसे हम इधर भी खेलते हैं क्रिकेट कभी कभी, जैसे ये नहीं है ये, लेकिन मट्टी वाला ग्राउंड है, इधर कभी कभी हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन अब हम लोग इधर इस दफ़ा इधर खेल रहे हैं, क्रिकेट शुरू करने लगे हैं। अभी टॉस वगैरह हो गया क्योंकि दो टीमें इधर से ही हैं, तो हम लोग आपस में खेल रहे हैं, प्रैक्टिस मैच है ऐसे ही, उसके बाद फिर फुटबॉल होगा, फिर मज़ीद आपको दिखाएंगे। मौसम अच्छा है काफ़ी, इधर के हिसाब से बहुत अच्छा मौसम है, मुझे पता बाहर के हिसाब से नहीं, लेकिन इधर बहरीन या पाकिस्तान के हिसाब से नहीं, लेकिन इधर के हिसाब से सूरज निकला हुआ अच्छा मौसम है। ओह बॉल स्लो इधर से है, क्यों होना लेट, क्यों होना,
ओ ठीक है ठीक है, सिंगल है। नहीं गैप है क्या? चौका इधर नहीं होना, इधर नहीं होना, ये बहुत ऊप तो छूट गया। वो आगे भी अर्थ गोल है, आगे भी अर्थ गोल करा। मार मार दबा दे ओए, नो दे सामने, रेडी रहने यार। बॉल स्लो हो रही थी। अभी फुटबॉल शुरू है, क्रिकेट खत्म हो गया जैसे आप देख रहे हैं पीछे। अभी फुटबॉल शुरू होने लगा। हाँ जी, हाँ जी। हेलो, गेम खत्म हो गई है, लड़ लड़ के कभी क्रिकेट में फुटबॉल में, लेकिन ऐसे ही होता है जिधर पाकिस्तानी खेलते हैं ना जिन, वो ऐसे ही है, लड़ाई के बगैर गेम पूरी नहीं होती। की टीम जीती है फुटबॉल? हाँ जी, बस क्रिकेट तो गेम नहीं है हमारी, फुटबॉल गेम है, तो उसमें जीत गए। अभी जा रहे हैं KFC खाने। अच्छा, आप खिला रहे हैं? तो हाँ जी सर, मैं कर दूंगा, बिल भाई देंगे। यार ये जावा जावा ना करें, व्लॉग है ये, कोई मजाक नहीं है, आप लोगों को मसला। यार आप पठानों की स्वीडिश वो जा रहे हैं, तो ये अनीस भाई भी, अनीस भाई आए, जरा कुछ कहें, जरा लोगों को कुछ बताएं। नहीं वो कह रहे हैं खाना खा के आए, खाना खा छोड़े होने। अनीस भाई आप जा रहे हैं? हाँ जी। तो क्या वजह खुदकुशी करने लगे? KFC जा रहे हैं। अच्छा,
क्या बात है, खूब की खूब खूब गेम है, गेम है। लकड़ा मारी जो यार, पीछे जो पीछे जो, ये देखें ये मुर्दे इसमें भी कभी कभी दे जाते हैं अगर एम्बुलेंस ना मिले तो। ये बात जब आप करते हैं ना मेरे सारे मेदे टूट जाते हैं, सीधा ऊपर होते हैं। हेलो एवरीवन, अभी गेम करके घर पहुंचा था तो जो दोस्त आए हुए थे उधर गेम करने, उनका प्रोग्राम थोड़ा और लंबा था। उनका था कि बाहर कहीं जाके हम लोग खाना वाना बनाते हैं बाहर, तो मेरा मूड नहीं था पहले, लेकिन फिर उनकी कॉल वगैरह आई तो मैंने सोचा चलें फिर मैं भी आता हूँ और आपको भी दिखाता हूँ कि हम लोग अक्सर जो प्रोग्राम बनाते हैं किस तरह का, कैसे खाना वाना बनाते हैं या ग्रिल करते हैं बाहर। और आप देख रहे हैं बाहर रोशनी, ये अभी 10 बजने वाले हैं, 10 मिनट रह गए हैं 10 बजने में, लेकिन अभी तक देख लें कैसी रोशनी है बाहर। तो इधर 10 बज जाते हैं, 10:30 बजे तक रोशनी रहती है। चलें बाकी आपको दिखाते हैं, ये देखें। व्लॉग बनाए, डरना जीना मरना अपनी जगह। हाँ, ये फुटबॉल के बाद ये सीन होता है कि चलना भी जो है ना मुश्किल हो जाता है। और ये अभी अभी हम ऊपर चढ़ रहे हैं। अच्छा है, एक घंटे की आप अगली दफा हमारे साथ नहीं सफर करेंगे क्योंकि मेरे ख्याल में ये काफी लंबा सफर है। बिल्कुल, हमारे व्यूवर्स काफी एंजॉय करेंगे मुझे लग रहा है। वही ना, काफी लंबा सफर है, 10 मिनट लगे मुझे आते हुए, 10 मिनट और है इतनी देर में, लेकिन 10 अभी चल के काफी है, मेरा सांस फूल रहा है। ऊपर जो कोयले दोस्तों ने बनाए हुए हैं वो हमारे जाते जाते शायद ऐसे ही खत्म हो गए, तो होप फॉर द बेस्ट। यस श्योर, ये देखें ये दोस्त बैठे हुए हैं, वो देखें अस्सलाम वालेकुम, क्या बन रहा है, बन क्या रहा है, आग बिल्कुल तैयार है, नीचे ये नीचे देखें, टाइम 10:10 और आप देख रहे हैं। और अभी महीने से ऊपर हो गया है कि वो जो 22 जून को मेरा ख्याल है सबसे बड़ा दिन होता है वो गुजर गया हुआ है, लेकिन अभी तक जो है ना इधर ऐसे ही है, नहीं तो वैसे तो 12-1 बजे तक रोशनी रहती है। कोई कह रहा 3 प्याज, कोई कह रहा 4 प्याज, कोई कह रहा 5 प्याज डाले हैं, हर एक मास्टर शेफ है, ये ऐसे ही होता है एक्चुअली, बंदों का यही मसला है, यही मेरा ख्याल लेडीज बना रही हो तो इतनी कोई बात थी हो ही ना इस चीज़ पे क्योंकि ये सारे एक्सपर्ट हैं इसीलिए।
खा पी के फारग हो गए सारे। अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया बहुत बहुत मेरी वीडियो देखने का, और बहुत अच्छा रिस्पांस मिला मुझे कल की वीडियो पे, जो कल मैंने पहला व्लॉग था, तो बहुत अच्छा रिस्पांस आया मुझे, बहुत अच्छे कमेंट्स आए, सजेशंस आए, प्राइवेट मैसेजेस आए बहुत सारे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो भी अच्छी लगेगी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल बटन ज़रूर दबाइएगा, ताकि आपको कल की वीडियो का भी नोटिफिकेशन आ जाए। और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि अच्छी अच्छी चीज़ें आपके लिए लेकर आऊँ। तो शुक्रिया बहुत बहुत देखने का फिर से, तो अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगले व्लॉग में।